का सुंदर नजारा, कल ध्रुव विधान का सुंदर नजारा आंखों में समाया है। कल ध्रुव विधान का सुंदर नजारा, दस व्रतधारियों के तप से मन हमारा महकाया है। आसन में विराजमान विभंजन सागर महामुनिराज है और रत्न त्रय की खुशबू और सोलह कारण की शान, रत्न त्रय की खुशबू और सोलह कारण की शान, ऐसे तप धारियों को हमारा वंदन बारंबार, वंदन बारंबार, वंदन बारंबार। मुझे पीछे वाले की कमंडल वाले की करते रहें जय जयकार, जे पीछे वाले की कमंडल वाले की करते रहें जय जयकार। एक बार मैं
रात कब होती है। एक बार जब हमने प्रश्न पूछा कि सुबह कब होती है, रात कब होती है, तो जो जब उठता था उसने बताया कि 4 बजे सुबह हो जाती है और 10 बजे रात होती है। कोई कहता है 5 बजे सुबह होती है, 11 बजे रात होती है, कोई कहता है 6 बजे सूर्योदय होता है और 12 बजे रात होती है, कोई कहता है 7 बजे सूर्योदय होता है और 1 बजे रात होती है। सभी लोग अपना अपना जवाब दे रहे थे। एक ज्ञानी मिला, एक ज्ञानी कहता है गुरुजी हम भी बताते हैं, हमें हाँ बताओ भाई, बड़ा सटीक जवाब दिया उसने, क्योंकि वो 10 दिन से प्रवचन सुन रहा था हमारे, 10 दिन से लगातार प्रवचन सुन रहा था, उसके मन में विचार आया कि जवाब कुछ अनोखा होना चाहिए, तो कहता है गुरुजी हम बताते हैं, हमने कहा बताओ कब सुबह होती है और कब रात होती है। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया, कहता गुरुजी जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। पहले दिन से जगा रहे हैं गुरुदेव, गुरुदेव पहले दिन से आप जगा रहे हैं, पहले दिन क्षमा में जगाया, दूसरे दिन मार्ग में जगाया, फिर आज जो में फिर सोच सत्य संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, 10 दिन से आप जगा ही तो रहे हैं, अभी भी नहीं जाग पाए, चलो फिर से दोबारा शुरू करते हैं, फिर से क्षमा करते हैं। पहले दिन क्षमा से शुरू हुआ और अंत की क्षमा परिसमापन हो रहा है। क्षमा ही हमारे जीवन में हमारी उन्नति को दिलाने वाली है। क्षमा मणि पर्व आज मना रहे हैं, जिनसे हमारी नफरत की दीवार खड़ी हो, जिनको हमने गिराने का प्रयास किया हो, जिनको हमने नीचे दिखाने का प्रयास किया हो, जिनसे हमने बैर की गांठ बांध रखी हो, जिनसे हम चेहरा देखना, जिनको हम चेहरा देखना पसंद नहीं करते, जिनका उनसे आज क्षमा मांगने का दिन है। क्षमा मणि पर्व तो वो कहलाती है, उससे आज क्षमा मांगने का दिन है। आज हमें उनसे क्षमा मांगना चाहिए जिनसे हमारी बैर की गांठ बंधी है। क्षमा मांगो तो क्षमा दिल से होना चाहिए, क्षमा मन से होना चाहिए, क्षमा हृदय से होना चाहिए और क्षमा हमारे शरीर के रोम रोम से होनी चाहिए, वो क्षमा क्षमा कहलाती है। नीतिकार कहते हैं स्त्री वृद्ध बालक और रोगी ये क्षमा के पात्र हैं। नीतिकार ने कहा है कि जहां स्त्री हो उसको क्षमा कर देना चाहिए, स्त्रियों की, क्योंकि वो कहते ना नहीं कुछ ज्यादा ही नाम वरना स्त्रियों का बहुमत ज्यादा है, स्त्रियों की सरकार में बैठी है, स्त्री की सरकार में बैठे हैं कैसे काम चलेगा, फिर भी लेकिन जो शास्त्र है तो शास्त्र है और आगम तो आगम है, थोड़ी बुद्धि कम होती है, थोड़ी सी बाकी तो ठीक है, थोड़ी कम होती है, वो वहां से आवाज आ रही कहां होती है, ज्यादा मत तो रोटी नहीं मिलेगी खाने, हाँ तो कहेंगे जाओ जिसके दिमाग में बुद्धि हो उसी के पास जाओ खाइयो। स्त्री क्षमा कर नहीं होगी, जब स्त्री हंट पकड़ के बैठ जाती है मुझे ये चीज चाहिए, अगर पुरुष अगर लाके नहीं देता है तो वो भोजन छोड़ देती है, ये छोड़ देती है, वो कर देती है, क्षमा कर देना चाहिए, स्त्री क्षमा के पात्र हो, वृद्ध व्यक्ति क्षमा के पात्र है। वृद्धों से अक्सर कुछ ना कुछ कमियां गलतियां होती रहती है तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। ऐसी बालक बालक बुद्धि है, चलो हो गया कोई बात नहीं, बच्चा है हो गया गलती हो जाती है, बालक को क्षमा कर देना चाहिए और रोगी व्यक्ति के प्रति भी क्षमा भाव रखना चाहिए। जब रोग होता है ना तो व्यक्ति चिड़चिड़ाता है, किसी को रोग हो बिस्तर में हो और उससे कुछ बोलो तो वो छोटी छोटी सी बात पर चिड़चिड़ाता, उसे गुस्सा आने लगती है, इसलिए रोगी को भी क्षमा कर देना चाहिए। नीतिकारों ने कहा है क्षमा मांगने और क्षमा करने में हमारे अंदर जो बैर की दीवार है वो टूटती है और छोटे बड़े का भेद भी समाप्त हो जाता है। जब हम क्षमा मांगते हैं तो छोटे बड़े का भेद समाप्त हो जाता है। क्षमा मांगी औपचारिकता का नहीं, आत्मनिरीक्षण का पद है। औपचारिकता नहीं कि वर्ष में साल में एक बार आस्मिन वति एकम आसुमति एकम एक दिन है जिसको हमने क्षमा मांगी का दिन मनाया है, वो दिन बना दिया कि उस दिन सभी लोग आपस में मिलना है और हाथ जोड़ना है और 10 ग्राम गर्दन झुकानी है,
दस्या गर्दन झुका ली है और उत्तम क्षमा बोल देना बस, उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी कि लोग मुझसे भी आगे कहते उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। मैंने एक बार बोला, मैंने कि बताओ उत्तम क्षमा, मैंने गलती कौन सी करी? तुम मुझे क्षमा मांग रहे हो ना, पहले गलती तो बताओ। मुझे तो गलती ही याद नहीं है तुम्हारी, तुमने गलती कौन सी की? तुम पहले गलती याद दिला दो, उसके बाद हम तुम्हें क्षमा कर दे रहे कि चलो भाई ठीक है उत्तम क्षमा तुमने मांग के हमने क्षमा कर दिया तुम्हें। पहले गलती का याद तो दिलाओ। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा कहने से उत्तम क्षमा नहीं होती, औपचारिकता का नहीं है, आत्मनिरीक्षण का पर्व है। मन में तो हमने सोच रखा है देख लूंगा इसको, छोड़ूंगा नहीं, मैं बताऊंगा इसको, समय आने तो बताऊंगा इसको, मन में तो ये चल रहा है। और व्यवहार में लोग सामने सब एक दूसरे मिल रहे हैं तो सबके सामने दिखावा करना है तो उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। जो तन मन और जीवन को सहज और सरल बनाता है उसका नाम है क्षमा। एक बार क्षमा को धारण करके तो देखो, एक बार क्षमा को अपना के तो देखो, हमारे तन मन को जीवन को सहज सरल बना देगा वो क्षमा। क्षमा मांगने करने की चीज नहीं, क्षमा धारण करने की। जब हमारे अंदर क्षमा धारण हो जाएगी तो बाहर से तो अपने आप नजर आने लगती है, बाहर से अलग दिखने लग जाती है। महावीर भगवान किसी के सामने क्षमा मांगने नहीं गए, उत्तम क्षमा ना किसी को क्षमा करने गए, उत्तम क्षमा नहीं ना करने गए ना मांगने गए, अभी तो उन्होंने अपने जीवन में क्षमा धर्म को धारण कर लिया। एक बार जंगल से निकल रहे थे महावीर भगवान, जंगल से निकल रहे थे, मुनि अवस्था में थे तो लोगों ने रोका, अरे भगवान वहां से मत जाइए। क्यों क्यों नहीं जाए? अरे इस जंगल में बहुत बड़ा एक सांप रहता है, चंड कौशिक नाम का सांप है और बहुत परेशान करता है, जो भी व्यक्ति वहां से निकलता है वो जिंदा वापस नहीं आता, वो वहीं पर मर जाता है। बोले अच्छा तो मैं जरूर जाऊंगा। लोगों ने कहा फिर हम यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं, लोगों ने कहा हम यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं क्योंकि इसके आगे पर हम नहीं जा पाएंगे। बोले कोई बात नहीं, तुम सब यहीं रुको, हम अकेले जाते हैं, महावीर भगवान अकेले चल देते हैं। जैसे आज के समय में कहते थे ना लोग विहार कराने जाते हैं, अपने गांव की अपने नगर की सीमा समाप्त हुई, कहते नमस्ते महाराज दुकान खुली है, दुकान जाना है, घर पे जाना है, ऐसी उन्होंने हाथ जोड़ लिए। महावीर भगवान आगे बढ़े जंगल की ओर, बड़े जंगल में धीरे धीरे जाते जा रहे, चंड कौशिक दूर से दिखता, अरे एक कौन व्यक्ति चला रहा है, कौन निर्भीक निडर होके ऐसा चला रहा है, इसको मेरा भय नहीं है, इसको मेरा डर नहीं है, अभी देखता हूँ। महावीर भगवान जैसे आए और जहां पर चंड कौशिक बैठा हुआ था वही पर जाके खड़े हुए और प्रतिमा युग को धारण करके कायस्थर मुद्रा में कायस्थर करने लगे। जब कायस्थर करने लगे तो चंड कौशिक ने आके बोले देखा ये इतना निडर मेरे सामने आके खड़ा हो गया, अभी देखता हूं। चंड कौशिक ने अपने दंश का प्रहार महावीर मुनि के पैर में किया, अंगूठे में किया और जैसे दंश का प्रहार किया अंगूठे से दूध की धारा बहने लगी। जैसे दूध की धारा बहने लगी चंड कौशिक काटना भूल गया और दूध पीना शुरू कर दिया। वो दूध नहीं था, वो महावीर भगवान का दुग्ध खून था जो दुग्ध बनकर निकल रहा था। जब एक माँ का एक बच्चे के प्रति प्रेम उमड़ता है, वात्सल्य उमड़ता है तो माँ का रक्त भी दुग्ध बनकर चढ़ता है, ऐसे ही जिसका प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य चमकता है उसका पूरे शरीर का खून ही दुग्ध बन जाता है। ऐसे थे महावीर भगवान, जिसका प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य था। भगवान ने उपदेश दिया, अरे चंड कौशिक क्यों तुम इतना परेशान करते हो लोगों को, छोड़ दो, अच्छा नहीं है, लोगों को नहीं काटना चाहिए। बोले भगवान क्या करूं, लोग परेशान करते हैं, लोग परेशान करते हैं, क्या करूं मैं। बोले कोई बात नहीं, काटना मत। बोले ठीक है भगवान, मैं तुम्हें आज नियम देता हूं, कभी किसी को काटना मत। ठीक है भगवान, मैं नियम लेता हूं, मैं आज से कभी किसी को नहीं काटूंगा। ठीक है, महावीर भगवान विहार कर गए, विहार करके वो गए। अब क्या था, लोगों को लगा अरे महावीर उस तरफ निकल गए, इसका मतलब चंड कौशिक सुधर गया। लोग इस तरफ से उस तरफ गांव में जाने लगे। अब बच्चे जाए तो बच्चे चंड कौशिक की पूंछ पर चढ़कर खेले, पटके पत्थर मारे, उसको लोग परेशान करने लगे, लेकिन चंड कौशिक नियम लिया था, बोले काटूंगा नहीं।
नहीं काटता, लोग मानने लगे। एक दिन महावीर का विवाह फिर पुनः वहां से हुआ। जब वापस वो आ रहे थे, उन्होंने देखा चंडकोसी लघुवान, बोले अरे चंडकोसी क्या हुआ तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे किसने हालत कर दी? बोले भगवान आपके नियम ने। नियम ने? बोले हाँ, आपने जो नियम दिया था उसी का पालन कर रहा हूं, इसलिए ऐसा हूं। तो उन्होंने कहा कि बताओ कौन सा नियम दिया था हमने? बोले आपने तो कहा था किसी को काटना मत। बोले याद करो चंडकोसी, हमने तुम्हें ये नियम दिया था कि किसी को काटना मत, ये थोड़ी कहा था फुसकारना मत, काटना मत ये नियम था, ये थोड़ी कहा था फुसकारना मत। यदि कोई तुम्हारे ऊपर कष्ट दे रहा है तो उसको डराने तुम्हारा काम है, अपनी जान की रक्षा करना, अपनी सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, समझना। ये दृष्टांत मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध का अभिनव करना चाहिए, दोनों में अंतर है। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध का अभिनव करना चाहिए, अभिनव मतलब नाटक, रोल करना चाहिए, नाटक करना चाहिए। अगर नाटक नहीं करोगे तो बच्चा सर पे बैठेगा, बच्चा कहां बैठेगा? सर पे बैठेगा। अभिनव तो आपको करना पड़ेगा, दिखावा तो करना पड़ेगा, नाटक तो करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा आपका जिद कर रहा है तो आप पहले क्या करते हैं? पहले उसको ऐसे करते हैं, इशारा करते हैं, बताओ मेरे यार ये क्या है, अभिनव तो नहीं, इसको क्या कहते हैं? अभिनव करना, नाटक करना। अभी आप उसको मार नहीं रहे, आपको गुस्सा आ नहीं रही है, आप गुस्सा का अभिनव कर रहे हैं। दिखाओ, बताओ मेरे यार, बताओ मैं एक बार, बताओ यार, एक तो बार आपको दिखाएंगे। ये अभिनव कहलाता है, नाटक करना। माँ को बच्चे के प्रति अभिनव करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है, वैसा नाटक जैसे आप टीवी सीरियल में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं। एक व्यक्ति दूसरे को मार रहा है, लातों से मार रहा है, हाथों से मार रहा है, गोली से मार रहा है, क्या वो सच में मार रहा है? नहीं। एक व्यक्ति रो रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, एक व्यक्ति हंस रहा है, क्या वो असली में हंस रहे हो रहे हैं? नहीं, सब किरदार निभा रहे हैं, नाटक कर रहे, अभिनव कर रहे बस। और इतना अभिनव, ऐसा अभिनव करते हैं कि उनको देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। टीवी में किरदार चल रहा है, आप उनको देखकर अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं। क्यों? इतनी भावुकता, इतनी संवेदनशील हो जाते हैं, आपको लगता है ऐसा सच में हो रहा है, ऐसा सच में हो रहा है, आपको ऐसा लगने लगता है, आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। महान भाव, अभिनव करने में कोई बुराई नहीं है, अभिनव कर सकते हैं, बस क्रोध का अभिनव ही करें। ये क्षमावाणी पर्व हम मना रहे हैं, क्षमा से ही दशरक्षण पर प्रारंभ हुए और क्षमा से ही समाप्त हो रहे हैं। ये आत्मा का शाश्वत धर्म है, इसलिए तो मैं बार बार कह रहा था कि पूरे भारत देश में ना जाने कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं। कोई वैसा दिन मनाता है, कोई चिल्ड्रन डे, कोई टीचर्स डे, कोई फादर्स डे, कोई सिस्टर डे, कोई ब्रदर्स डे, कोई मदर्स डे, ना जाने कौन कौन से डे मनाए जाते हैं। योगा डे, योगा डे मनाया जाता है, तो क्यों ना एक दिन ऐसा हो जिस दिन क्षमा डे मनाया जाए, पूरे विश्व में एक दिन ऐसा मनाया जाए जैसे विश्व योग दिवस होता है, वैसे ही विश्व क्षमा दिवस होना चाहिए। विश्व क्षमा दिवस कम से कम एक दिन साल में तो क्षमा मांग लेना चाहिए, एक दिन के लिए तो उत्तम क्षमा करके माफी मांग लेना चाहिए, हमारे द्वारा किए गए गलतियों को माफ करना। बोल दिया करो भगवान क्षमा करने के, किसी के सामने जाओ तो बोलना भाव संभालने से मन समझ जाता है, बात व्यवहार संभलने से रिश्ते संभल जाते हैं, कभी भावों से, शब्द से, बात से या हमारे व्यवहार से आपको हुआ हो किंचित क्षोभ, आपको हुआ हो किंचित क्षोभ, तो उदार मन से क्षमा कर कराए अपने सौम्य व्यवहार का बोध। इतना बोल देना और क्षमा मांग लेना और कह देना कि छोटा सा संसार है, गलतियां अपार है, आपके पास क्षमा का अधिकार है, कर लीजिए स्वीकार उत्तम क्षमा। बोल दिया करो, कम से इतना तो बोल दो, आपके मन से आपका भार तो उतर जाए। जो मन में आपने गांठ मान रखी वो तो गांठ ना बनी हो,
हिसाब किताब बराबर रखा करो, हिसाब किताब बराबर रखो। बोलो, एक साल होती है, एक साल में कितने दिन? 365 दिन, 365 दिन या 12 महीने या 52 सप्ताह या 8760 घंटे या 5,25,600 मिनट या 3,15,36,000 सेकंड में हमारी तरफ से कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो या दिल दुखाया हो तो बारंबार हाथ जोड़कर उत्तम क्षमा, इतना तो बोल दिया करो। कभी किसी समय किसी मिनट में किसी घंटे में कभी कोई गलती हो ही जाती है, कहने में सुनने में बोलने में बैठने में उठने में सोने में उत्तम क्षमा बोलने में हमारा क्या जा रहा है? यदि आप बड़े हैं और छोटे से आपने कह दिया उत्तम क्षमा तो आप छोटे नहीं होंगे, गारंटी मेरी छोटे नहीं होंगे। आप बड़े थे, बड़े हो, बड़े ही रहोगे, आप छोटे होने वाले नहीं है। और जब बड़ा कभी छोटे से माफी मांगेगा तो ध्यान रखना छोटा फिर रह नहीं पाएगा, छोटा बड़े के पैरों में गिर जाएगा और कहेगा नहीं भाई गलती मुझसे होती है, क्षमा मुझे करना, आपका हाथ मेरे सिर पर हमेशा बना रहे, बस मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। छोटा तो अपने आप आपसे माफी मांग लेगा अगर आपने माफी मांग दी, और अहंकार में डूबे रहे नहीं मैं तो बड़ा हूं मैं कैसे माफी मांगूंगा, वो छोटा वो पहले माफी मांगे। पहले पहले के चक्कर में कि पहले आप इसके चक्कर में तो ट्रेनें निकल जाती हैं, खड़े रह जाओगे स्टेशन पर, ट्रेन आएगी और चली जाएगी। समझो क्षमावाणी पर मना रहे हैं। क्या है क्षमावाणी? मन को क्रोध के वातावरण से दूर करना ही क्षमावाणी। अपने मन को क्रोध के वातावरण से दूर करना ही क्षमावाणी है। क्षमा वही दे सकता है जो सामर्थ्यवान है, जो सामर्थ्यवान है वही क्षमा कर सकता है। श्री कृष्ण ने 99 बार शिशुपाल को क्षमा दी थी, सबने देखी होगी महाभारत, 99 बार क्षमा किया था, बोले क्षमा किया और 100वीं बार में क्या किया वो बात की बात है। 99 बार तो क्षमा किया, जगत कुमार ने बाण मार दिया, कृष्ण को बाण लग गया, कृष्ण ने क्या कहा? क्षमा किया, तुम जाओ यहां से चले जाओ, वरना बलराम का उपाय की हो गया, कुछ और हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, तुम जाओ। क्षमा कर दिया क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम्, क्षमा कायरों का नहीं क्षमा वीरों का भूषण है। यदि आप भी वीर बनना चाहते हैं तो क्षमा करना सीखे, हम भी क्षमा करें। कसायों को जन्म ही ना देने, बस वही सच्ची क्षमा वाणी है। जिन जिन कारणों से कसाय उत्पन्न होती है उन कारणों को उत्पन्न ही ना होने दे, जब कसाय के कारण उत्पन्न नहीं होंगे तब क्षमावाणी आपके जीवन अपने आप ही आ जाएगी। भूल होना प्रकृति है, भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। सुधार लो अपनी भूल को, गलती होगी कोई बात नहीं, इससे नहीं होती गलती, इंसान है इंसान से तो गलती होती होती है, निरंतर होती रहती है और चलती रहती है। एक तो जीवन में यही भाव है, आचार्य अमित गति स्वामी कहते हैं अपने जीवन में चार भाव अपना लो बस आपका जीवन सरल हो जाएगा। शत्वे सुमैत्री गुण सुप्रबोधम क्लिष्टे सुजीवे सुकृपा परोपम माध्यस्ते भावम विप्रीत वृत्तो सदा मम आत्मा विद्धातु देवा। कहते हैं सभी जीवों से मैत्री भाव रखो, और जो गुणवान व्यक्ति है गुणवान है गुणी जन है उनसे प्रमोद भाव रखो, और जो दुखी लोग हैं परेशान है अपनी जिंदगी से गरीब है दीन है उन पर दया का भाव रखो, कारुण्य भाव रखो, करुणा का भाव रखो। और इसके बाद चौथा भाव क्या बोल दिया? चौथा भाव कहा माध्यस्थ भाव विपरीत वृत्त हो, और जिनकी बुद्धि बुद्धि हुई हो आपकी भाषा में बोले जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो उनसे क्या करो? माध्यस्थ भाव, तू जानते रहा कोई बात जो है सो है, मैंने तुझे क्षमा किया, क्यों उससे व्यक्ति कारण मानते
दे, अपनी तरफ से तो घर की गांठ मत बांधो, सामने वाला बांध रहा है बांधने दो, वो बांधेगा वो भोगेगा, अपनी तरफ से क्षमा धारण करो, जैसे पारसनाथ भगवान ने क्षमा को धारण किया, अपनी तरफ से तो उन्होंने क्षमा करते रहे, कमर में बैर की गांठ बांधी रही, बांधे रहो, एक भाव दो भाव तीन भाव दस भाव, कौन भटकता रहा, कमाटी भटकता रहा, पारस तो अपनी साधना में संलग्न थे, अपनी साधना ही करते थे, निरंतर साधना चलती थी उनकी, वो तो हर भाव में उन्होंने अपना अच्छा ही होगा, कमठ में बैर बांधा था, आप अपनी तरफ से तो क्षमा करो कि हम क्षमा करते, अपने मन में किसी प्रकार का मैल नहीं रखना चाहिए, सारा मैल धो दो, सारा मैल निकाल दो, समझना रामायण का वाचन हो रहा था, जब रावण का वाचन हो रहा तो वाचन में निकला कि जब हनुमान लंका गए तो वहां पर बहुत सुंदर सफेद फूल खिले हुए थे, तो हनुमान वहां पर बैठे हुए थे, तो तुरंत खड़े हुए, कहते नहीं गलत, सफेद फूल नहीं खिले थे, लोगों ने आश्चर्य किया, बोले क्या हो गया, बोले हां मैं सच कह रहा हूं, सफेद फूल नहीं खिले थे, वहां पर लाल फूल खिले हुए थे, सारे फूल लाल थे, बोले नहीं वहां पर लाल फूल होते नहीं, वो तो सफेद फूल थे, वहां पर सारे फूल सफेद थे, ऐसा संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, वहां पर सब लाल फूल थे, तो राम से पूछा गया कि क्या सच हो सकता है, बोले दोनों सच कह रहे हैं, हमारा धर्म अधिकार माध्यम राम के अधिकार माध्यम, उन्होंने कहा दोनों सच कह रहे हैं, सच कह रहे दोनों सच कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो लाल हो गया सफेद हो गया, नहीं दोनों सच कह रहे हैं, बोले कैसे, बोले फूल तो सफेद थे, फूल तो सफेद थे, तो इनकी बात सही है, लेकिन जब हनुमान वहां पहुंचे तो उनकी क्रोध में आंखें लाल हो रही थी, इसलिए सफेद फूल भी लाल नजर आ रहे थे, दोनों सच बोल रहे थे, क्रोध में व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है, और जब लाल हो जाती तो उसको सब कुछ ऐसा दिखता है कि बस पूछो मत, सारी दुनिया जितनी क्रोध से परिचित है उतनी क्षमा से नहीं है, वैदिक धर्म कहता है एक दिन सृष्टि का विराम विनाश होगा, वैदिक धर्म कहता है एक दिन सृष्टि का विनाश होगा, मुस्लिम संप्रदाय में कुरान कहती है एक दिन क्या आएगी, कयामत आएगी, और जैन धर्म कहता है एक दिन महाप्रलय आएगा, परिवर्तन सृष्टि की प्रकृति है, ये परिवर्तन निरंतर परिवर्तन आना ही आना है, आप परिवर्तन को रोक नहीं सकते, कोई बदल नहीं सकता परिवर्तन को, परिवर्तन तो निश्चित आएगा, स्वभाव और विभाव में बस इतना ही अंतर है कि स्वभाव में रहने में सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि विभाव में रहने से दुख अशांति और आकुलता की प्राप्ति होती है, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, क्षमा हमारा स्वभाव है, क्रोध हमारा स्वभाव हो ही नहीं सकता, जो व्यक्ति क्रोध करता है गुस्सा करता है, चांदना क्रोध की गति कौन सी होती है, अधोगामी, ध्यान से सुनना, क्रोध हमेशा अधोगामी होता है, नीचे की ओर जाता है, एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, एक बार सबका ध्यान जाएंगे, एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों में आपस में लड़ाई हो गई, दोनों को गुस्सा आ गया, दोनों ने खाना छोड़ दिया, दोनों ने कहा नहीं हम तुमसे बात नहीं करेंगे, बोले हम तुमसे बात नहीं करेंगे, दोनों को गुस्सा आ गया, पत्नी ने खाना तो बनाया था लेकिन पति लेके नहीं गया, डब्बा छोड़ के गया, डब्बा छोड़ के गया, यहां पर पति ऑफिस के लिए गया, ऑफिस के लिए गया, और जब ऑफिस गया तो ऑफिस में उसने अपने पीर को आवाज लगाई, ये फाइलें यहाँ पर क्यों लगा रखी है, यहाँ पर पूरे में पास फाइलें फाइलें फैला रखी है, देखो तो यहाँ पर जमा नहीं, उसने अपना गुस्सा किस पर उतारा, पीर पर उतारा, जब पीर पर गुस्सा उतारा, पीर कुछ कह तो सकता नहीं था बेचारा, कई गरीब आदमी कुछ नहीं कहा, जब उसने कुछ नहीं कहा तो वो तुरंत पानी लेने जब गया तो उसने अपना गुस्सा किस पर उतारा, गिलास पर उतारा, जैसी गिलास पर ये जो घर पर लड़के आ जाते हैं यहाँ पर गुस्सा उतारते हैं वहाँ पर पड़पड़ाता रहा गुस्सा उतार रहा था, यहाँ पत्नी को गुस्सा आ गया था, जब पत्नी को गुस्सा आया तो पत्नी ने अपना गुस्सा उतारा, नौकरानी
ऊपर नहीं जाता, अपने से नीचे कानून हो जाएगा। नौकरानी का दुख तना किया और बच्चा आया तो बच्चे ने और नौकरानी को दो चार सुना दी। क्यों? क्योंकि मालिक का बच्चा है, नौकरानी कुछ कह नहीं सकती है, नौकरानी कुछ कह नहीं सकती है। पत्नी को गुस्सा आया बच्चे पर, बच्चे को गुस्सा आया नौकरानी पर, नौकरानी को गुस्सा आया इस पर। उस दिन ध्यान देना, कपड़े और बर्तन बिल्कुल चमचमाते होंगे, क्योंकि सारा गुस्सा किसको आती है? वो जिस दिन नौकरानी गुस्से में होगी उसी दिन कपड़े साफ नजर आएंगे, उसी दिन बर्तन चमचमाते आएंगे। पूछ लेना उससे, क्या घर में आज लड़ाई थी क्या? घर में लड़के आए होगी तब का गुस्सा हमेशा अधोगामी होता है। इसलिए पतन की ओर ले जाने वाला, नीचे की ओर ले जाने वाला क्रोध ही है, क्रोध अधोगामी है। क्रोध प्रारंभ जब होता है तो मूर्खता से होता है, लेकिन अंत जब होता है उसका तो पश्चाताप से ही होता है। व्यक्ति अंत में जाके पश्चाताप करता है, मैंने गलती कर दी, अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, लोहे से लोहे को लोहा काटता है, लोहे से लोहा कटता है, कांटे से कांटा निकलता है, पर क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, क्रोध से क्रोध भड़कता है। उसे मिटाने के लिए तो केवल क्षमा चाहिए बस। अगर क्षमा है तो क्रोध समाप्त हो जाएगा, और क्षमा नहीं है तो क्रोध भड़क जाता है। दुनिया जानती है क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, वैर से वैर नहीं मिटता, अग्नि से अग्नि नहीं बुझती, कीचड़ से कीचड़ नहीं साफ होता है, वैसे क्रोध से क्रोध कभी समाप्त नहीं होता है। क्रोध को समाप्त करने के लिए क्षमा चाहिए, कीचड़ को धोने के लिए पानी चाहिए। क्षमा से दिन मंगलमय होता है और रात शुभ रात्रि बन जाती है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आपको, जो मन देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। एक बार अपने आप को देख कर को देखो, दूसरों को देखते हैं, दूसरा ये कर रहा है, दूसरा वो कर रहा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अपने अंदर झांक कर तो देखो तुम कितने दूध से धुले हुए हो, तुम्हारे अंदर कितनी कसाएं भरी हुई हैं, कितने पाप भरे हुए हैं, कितने कसाएं तुम्हारे अंदर भरी हैं, उसको तो जरा देखो, दूसरे के लिए दोष लगाते, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। या क्षमा वाणी पर क्षमा मांगने का दिन। खम्मा मी सब जीवाणम, बोलो एक बार सभी लोग, खम्मा मी सब जीवाणम, सत्य जीवा खमंतु मे, मिट्टी मे सब देशु, बैरम मज्जम ना केड़गी। हे भगवान, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ और सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। बस इतनी सी भाव अगर हृदय में आ जाए ना, इतना सा मन में भाव आ जाए, प्रतिक्रमा करते हैं और प्रतिक्रमा रोज पढ़ते हैं, इंदिया वे इंदिया ती इंदिया चौंदिया पचंदिया पुणी गया आओ गया तेव गया बाओ गया बणमति गया दस गया हे जिसे होता हूं मैं ता हूं मेरा नाम का दो कर दो कर दो के दो समण में दो दस में चामी दुकड़म। रोज पढ़ते हैं प्रतिक्रम में। क्या पढ़ा आपने? एक इंद्री से क्षमा मांग ली, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, पृथ्वी अग्नि जल वायु वनस्पति सबसे आपने क्षमा मांग। केवल पढ़ने पढ़ने में क्षमा मांग ली, ऊपरी ऊपरी पढ़ लिया। सोचो जरा, एक इंद्री से तो क्षमा मांग रहे हो और पंच इंद्री जी से कसाय बांध के बैठे हो, पंच इंद्री के प्रति देखना पसंद नहीं करते हो, उसको देखना भी उससे बात करना भी पसंद नहीं है। एक भाई दूसरे भाई को देखना पसंद नहीं करता, जब कसाय बांध लेता है कहता नहीं उसको तो मैं बिल्कुल नहीं मिलाऊंगा, घर में शादी का माहौल था, बोले नहीं उसको तो मैं बिल्कुल नहीं मिलाऊंगा। अरे भैया अंदर से निकालो सारी कसाएं। मनुष्यावरणम रूपम, रूपस्यावरणम गुणा, गुणस्यावरणम ज्ञानम, और ज्ञानस्यावरणम क्षमा। मनुष्य का आभूषण रूप होता है,
रूप का आभूषण गुण होता है और गुण का आभूषण ज्ञान होता है और ज्ञान का आभूषण क्षमा होता है। इसलिए क्षमा को धारण करना चाहिए। बस इतनी याद रखना, क्षमा को फॉर्मेलिटी में नहीं, रियलिटी में, अपने हृदय से। फॉर्मेलिटी में नहीं करना क्षमा को, फॉर्मेलिटी में नहीं किया जाता, रियलिटी में करना। क्यों? फेस इन द इंडेक्स ऑफ द हार्ट। समझना, हमारे अंदर क्या चल रहा है। मुख वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति का मन, उसकी आत्मा सब झलक जाती है। तेरे अंदर क्या परिणाम चल रहे हैं, कलुषता के परिणाम है, कसाय के परिणाम है, विकृति के परिणाम है, वो तुम्हारे चेहरे से समझ में आ जाता है। चेहरा दिख जाता है, उससे पता चल जाता है व्यक्ति का बनावटी चेहरा है या अंदर से उसका दिल पसीज रहा है, अंदर से वो क्षमा मांग रहा है, ये उसका चेहरा दिखाता है। क्षमा हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हम बाहर ढूंढते हैं, इधर उधर खोजते हैं, क्षमा मिल जाए, क्षमा मिल जाए, बाहर कहीं नहीं है, हमारे अंदर है। एक गुड़िया, एक अपने घर की कुटिया में हाथ में सुई लेकर उसमें धागा डाल रही थी। सुई में क्या कर रही थी? धागा डाल रही थी। अचानक अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, और जैसे ही लाइट गई तो बुढ़िया को डर लगा और वहां से वो सुई नीचे गिर गई। जब वहां से जो सुई गिर गई, अंधेरा था, वो दिख नहीं रहा था। अब वो बुढ़िया उस सुई को खोज रही है, ढूंढ रही है। बहुत देर तक उसने ढूंढा तो उसे वो सुई मिली नहीं। जब उसे सुई मिली नहीं तो उसने कहा, उसने सोचा चलो बाहर उजाला है, उजाले में देख लेती हूँ। वह बाहर जाती है और उजाले में उसको खोजने लगती है। बहुत देर खोजा, एक व्यक्ति वहां से निकला, बोले अम्मा क्या कर रही हो? बोले बेटा हमारी सुई गिर गई है, हम सुई को खोज रहे हैं। बोले अच्छा, मैं खुजवा देता हूँ, मैं ढूंढ देता हूँ। वो भी उसको खोजने लगा बाहर, उसको वो भी खोजने लगा। तभी एक दूसरा व्यक्ति आ गया, हमारे कमल जी आ गए। कमल जी ने बोला, अरे अम्मा क्या कर रही हो? तो बोले क्या करें कमल बाबू, वो तुम्हारी सुई गिर गई है तो सुई ढूंढ रहे हैं। अरे अम्मा बताओ तो सुई कहाँ गिरी? बोले बेटा वो तो अंदर गिरी थी। कहाँ गिरी थी? कमल जी कहते हैं, अम्मा सुई अंदर गिरी थी तो अंदर ही मिलेगी, बाहर थोड़ी मिलेगी। बोले अरे ये तो हमने सोचे ही नहीं। अब सोच लो, क्षमा हमारे अंदर है, बाहर भी मिलेगी। क्षमा कहाँ है? हमारे अंदर है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलने वाली। वो तो हमारे अंदर ही है, आपको बाहर निकालना है उसको। आपके मासी तो है, क्षमा का अर्थ है भूलों पर ध्यान ना देना। क्या अर्थ है? भूलों पर ध्यान ना देना, गुणों की ओर दृष्टि रखना। और सबकी आत्मा समान है। सुबह के भटके हुए को शाम का इष्ट मार्ग पर लौटने का अवसर देना ही क्षमा कहलाता है। ठीक है, सुबह का भूला है, भटका हुआ, आ गया, घर वापस आ गया, चलो कोई बात नहीं, क्षमा। क्षमा दंतवती है जो जीवन को सुगंधित करने वाली है। क्षमा जीवन दायिनी है जो जीवन का दान देती है। क्षमा रत्न गर्भा है जो अपने गर्भ में रत्नों को देने वाली है। दुश्मन को समाप्त करने का काम शस्त्र का है और दुश्मनी को समाप्त करने का काम क्षमा का है। दुश्मनी समाप्त करना है, जो हमने अंदर से दुश्मनी बना के बैठी ना, दुश्मन को समाप्त नहीं करना है। दुश्मन को समाप्त कर दिया, एक दुश्मन समाप्त किया, दूसरा पैदा हो जाएगा। दूसरा समाप्त करोगे, तीसरा पैदा हो जाएगा। दुश्मन खत्म करते रहोगे तो दुश्मन पैदा होते जाएंगे। इसलिए एक बार में दुश्मनी समाप्त कर दो और क्षमा मांग लो, कि उत्तम क्षमा भैया, विगत वर्ष में जो भी हमसे गलती हो गई उसके लिए क्षमा करना। क्षमा मात्र मित्रों से नहीं, क्षमा मात्र रिश्तेदारों से नहीं, अपितु दुश्मन से भी मांगना। जिनसे हमने बोल चाल बंद कर रखी है ना, उनसे क्षमा मांगना और बोल चाल शुरू कर देना। पारसनाथ भगवान को उदाहरण देख लो, क्षमा धारण की। महावीर भगवान को देख लो, महावीर भगवान ने क्षमा धारण की। अच्छा एक बात बताओ, 700 मुनियों पर उत्सर्ग किसने किया था? बलि ने, बलि ने किया था। अब कौन कौन आचार्य ने उसको क्या श्राप दिया था? कोई श्राप दिया?
नहीं, क्षमा कर दिया। पांडवों के ऊपर गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए गए। लक्ष्मण मुनिराज पर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई। सुकुमार मुनिराज को 3 दिन तक सियाली खाती रही। सुपसन मुनिराज को पाप भक्षण करता रहा। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज पर उत्सर्ग हुआ। सेठ सुदर्शन पर उत्सर्ग हुआ। सुगली पर चढ़ा दिया गया। किस पर उत्सर्ग नहीं हुआ? लौकिक में देख लो, ईसा मसीह पर उत्सर्ग हुआ, श्री कृष्ण पर उत्सर्ग हुआ, आचार्य शांति सागर मीरा पर उत्सर्ग हुआ, सब पर उत्सर्ग हुई। पर सब ने क्या धारण किया? क्षमा धारण किया, अपने जीवन में क्षमा को अंगीकार किया। क्षमा के अभाव में आपके व्रत करना, सभी व्रत नारी सुनो आराम से ध्यान से, 10 दिन के उपवास करके आपने जो साधना की है, अच्छी साधना की आपने। जिन्होंने 16 साल के व्रत किए, बहुत अच्छी साधना की। पूरे कलकत्ता में लगभग 70 लोगों ने 10 लक्ष व्रत की साधना की है। कितना बड़ा, कहते हैं लोग महानगर है तो महानगर में कोई व्रत ध्यान नहीं करता, कोई तपस्या नहीं करता। उन सब की बातें गलत है। जब 70 लोग 10 लक्ष कर सकते हैं तो क्या वो महानगर धर्मात्मा नहीं हो सकता है? धर्म नगरी नहीं हो सकती है? बिल्कुल धर्म नगरी हो सकती है, वो धर्म नगरी है। ऐसी धर्म नगरी में व्रतधारियों ने व्रत किए, उनके लिए विशेष देना है। क्षमा के अभाव में व्रत करना, क्षमा के अभाव में जप करना, क्षमा के अभाव में तप करना, क्षमा के अभाव में पूजा करना, क्षमा के अभाव में भगवान की भक्ति करना, सब अधूरी है। अपने जीवन में क्षमा जरूर धारण करना। कोटि पूजा समम स्त्रोतम, कोटि स्त्रोतम समम जपा, कोटि जपा समम भक्ति, कोटि भक्ति समम क्षमा। आचार्य भगवान कहते हैं करोड़ों पूजाओं का फल एक स्त्रोत में है, करोड़ों स्त्रोतों का फल एक जाप में है, करोड़ों जाप का फल एक भक्ति में है, और करोड़ों भक्ति का फल एक क्षमा धारण करने में है। बस क्षमा को धारण करना। अशोक जी, जीवन में मतभेद को मिटाया जा सकता है, मगर मन का भेद नहीं मिटाया जा सकता है। मतभेद मिटाया जा सकता है, मगर मनभेद को मिटाना बहुत कठिन है। मतभेद हो जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन मन में भेद नहीं होना चाहिए। ये मतभेद मत करना। कोई कहता है भगवान का अभिषेक होना चाहिए, उपासना भगवान का अभिषेक रोज होना चाहिए, कोई कहता नहीं होना चाहिए, कोई कहता ये करते हैं, कोई कहता वो करता है, नहीं सब करो, जिनको करना है सब करो, लेकिन मन में भेद मत करो। मन में भेद नहीं आना चाहिए। मतभेद हो जाए कोई बात नहीं, मिट जाएगा। मतभेद तो मिट सकता है, मतभेद नहीं मिटता। इसी की वजह से मन में भेद कर लिया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बोलूंगा नहीं, उसको तो मुझे देंगे, क्या फायदा? क्या फायदा? आज क्षमा मणि का पर्व है। आज सभी श्रावक जितने भी पुरुष वर्ग में जो भगवान का अभिषेक करते हैं, वो तो भगवान का अभिषेक करने का प्रण ले लो कि भगवान का अभिषेक करेंगे। बस इतना ध्यान रखना, अभिषेक करने में कोई बुराई नहीं है। आप श्री जी का अभिषेक कर रहे हैं, करो अभिषेक, करो अभिषेक, लेकिन मानदंड इतने अच्छे से करना, पानी की एक बूंद भी प्रतिमा में रह ना जाए। तो हमारे यहाँ तो वैसे इतनी एकता है, इतनी एकता है कि कोई 13 वाला आता है तो 13 वाला कर ले, और कोई 20 वाला आता है तो 20 वाला कर ले। भाई तुझे बादाम चलाने में खुशी होती है, अखरोट चलाने में खुशी होती है, बादाम अखरोट चला ले। यदि तुझे मौसमी और नाशपाती चलाने में खुशी हो रही है तो चला ले, वो भी चला ले, कोई रोक टोक नहीं। मतभेद अलग अलग हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद तभी मिटेगा जब अंतरंग में प्रसन्नता होगी। एक व्यक्ति मुझसे हमें कहता है कि मुनिराज हम भी उपासना भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं। लोग कहते हैं नहीं कर सकते, एक ही बार से होगा। मैंने कहा नहीं, इतनी बंदिश नहीं है, चिंता मत करो, बंदिश नहीं है, वो किसी कारणवश से बताई गई थी कि ऐसा करना नहीं, आप सब करो अभिषेक, कोई बात नहीं। ध्यान रखना कमल जी, अशोक जी, दृष्टि योगी, सब नियम विस्तार करो कि जो भी अभिषेक करना चाहे सब अभिषेक कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक सब करें। बस शर्त एक रख देना,
भगवान का अभिषेक करें, मार्जन इतने अच्छे से करें, पानी की बूंद नहीं रहना चाहिए प्रतिमा पर, बिल्कुल अच्छी तरह से मार्जन होना चाहिए। आज क्षमा वाणी का पर्व, हमें मन भेद मिटाना है, मन भेद मिटाना है। जो मन में अगर ने कसा मान रखी, हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। बदमाशी की समाज का उदाहरण पूरे आपड़ा कलकत्ता में नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल और पूरे भारत में नाम आना चाहिए कि वहां की समाज पूरी एक है। बहुत बढ़िया, ऐसी मंगल भावना बनी रहे और पूरी समाज एक होकर काम करती रहे, तो उस जगह समाज का नाम बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। आज समय मन भेद मिटाने का दिन मनाना है। संसार में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसमें जिससे कभी कोई गलती ना होगी। आप लोग हैं कोई ऐसा? आप में से कोई ऐसा एक व्यक्ति है जिससे जीवन भर में कभी कोई गलती ना हुई हो? ऐसा कोई व्यक्ति है तो जीवन में कभी कोई गलती तुमसे हुई नहीं? संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिससे कोई गलती ना हुई हो। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, स्वभाव है, गलती तो होती रहती है। गलती हो जाए तुरंत क्षमा मांग लेना, गलती हो जाए तुरंत क्षमा मांग लेना, वरना एक की छोटी चिंगारी महाविनाश का कारण बन सकती। एक छोटी सी गलती की, बस छोटी सी गलती, अंधे के तो अंधे हो। कितने शब्द थे? इतने से शब्द थे बस। एक छोटी सी गलती अगर वो समय माफी मांग लेती तो हो सकता महाभारत का युद्ध नहीं होता। छोटी सी गलती चिंगारी बनकर महाविनाश का कारण बन गई और महाभारत युद्ध हो गया। गलती को स्वीकार करके क्षमा मांगकर अपने भविष्य सुरक्षित करना ही बुद्धिमत्ता है। अपना भविष्य सुरक्षित करो क्षमा मांगकर, गलती को नजरअंदाज करके पुनः मैत्री में स्थापित होना जीवन का महातम गुण है। इसलिए क्रोध और माया ही क्षमा वाणी का पर्व है। आज हम क्षमा वाणी का पर्व मना रहे हैं। क्रोध भी समझना और क्षमा को भी समझना, आज हमारा दिन हमें यही कहता है। क्षमा एकता संगठन कराती है और कसाय हमेशा विघटन कराती है। क्षमा मित्रता को जन्म देती है और कसाय शत्रुता को जन्म देती है। क्षमा में सहिष्णुता है और कसाय में असहिष्णुता है। क्षमा में सहयोग है, कसाय में असहयोग है। क्षमा में हितैषी भावना है, कसाय में अहित भावना है। क्षमा में दूसरे प्राणियों के प्रति करुणा है और कसाय में हिंसा है। क्षमा में निस्वार्थ भावना उत्पन्न होती है और कसाय में स्वार्थ प्रकृत भावना उत्पन्न होती है। क्षमा में हृदय में कोमलता आती है और कसाय से हृदय में कठोरता आती है। क्षमा से धैर्य उत्पन्न होता है और कसाय से अधैर्य उत्पन्न होता है। क्षमा में विवेक उत्पन्न होता है और कसाय में क्षमा सृजन का काम करती है और क्रोध विध्वंस का काम करती है। क्षमा प्यार है तो क्रोध तलवार है, क्षमा उत्थान है तो क्रोध पतन है, क्षमा प्रगति है तो क्रोध अवनति है। क्षमा आत्मा के विकास का कारण है। क्षमा और करुणा में प्यार मिलता है और क्रोध में नरक का द्वार खुलता है। महानुभाव, क्रोध और करुणा का तो जन्मजात का बैर माना गया है। क्रोध और करुणा का जन्मजात का बैर है, बैर दो में से केवल एक ही हो सकता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार दिन और रात में से एक हो सकता है, जहर और अमृत में से एक ही अस्तित्व रख सकता है, अंधकार और प्रकाश में से एक हो सकता है, सर्प और न्योले में एक हो सकता है, हिरण और शेर का जन्म जात का बैर है, सूर्य और चांद का जन्म जात का बैर है, चूहा और बिल्ली के जन्म जात का बैर है, ऐसे क्रोध और क्षमा का जन्म जात का बैर है। जहां क्रोध होगा वहां क्षमा नहीं होगी और जहां क्षमा होगा वहां क्रोध नहीं होगा। भट्टारे जी, क्रोध तो तात्कालिक है, क्रोध क्या है? तात्कालिक है, और क्षमा
त्रिकालिक है, शाश्वत है। क्रोध तो थोड़ी देर के लिए आएगा और समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्षमा हमेशा आपके पास रहती है। आपको पता, सोनू ध्यान से सुनो, आपको पता कुत्ता किसको देखकर भौंकता है? कुत्ता किसको देखकर भौंकता है? अगर आपको अच्छा, हमने जैसा कह रहे हमें हमें देखकर भौंकता है, ध्यान देना, कुत्ता हमेशा अपरिचित को देखकर भौंकता है। कुत्ता जिससे परिचित नहीं है अपरिचित को देखकर भौंकता है, और परिचित को देखकर क्या करता है? पूंछ हिलाने लगता है। इसके विपरीत क्रोधी व्यक्ति होता है, क्रोधी व्यक्ति परिचित को देखकर भौंकता है और अपरिचित को देखकर हाय हेलो करने लगता है, आओ भगत करने लगता है, वो क्रोधी व्यक्ति है। जब अपरिचित होगा ना, उससे तो आई भैया जैसे बैठिए ना, और जब अपना मित्र होगा, अपना भाई होगा, जिससे परिचित होगा उसको देखकर भौंकेगा, उसकी मूछ उगाड़ेगा। हम अपने आप को सुधारें, इसलिए जीवन में एक सूत्र याद रखें। एक जगह पढ़ा था हमने, लुकमान हकीम, नाम सुना है? लुकमान हकीम ने खुश रखने के, खुश रहने के तीन नुस्खे दिए थे। अगर खुश रहना चाहते हो राजेश जी, लुकमान हकीम ने खुश रहने के तीन नुस्खे दिए थे। कौन कौन से नुस्खे पाठ कीजिए? आए सुरेंद्र जी, रघुवाल जी आए, शकल दिखा दो, करें दृष्टियों की शकल देखना जरूरी है ना। आज पांचों दृष्टि मुझे एक साथ नजर आ रहे हैं, नहीं एक साथ तो नहीं आ रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक वहां एक यहाँ। लुकमान हकीम ने खुश रहने के तीन नुस्खे दिए थे, पहला कम खाओ, दूसरा गम खाओ, और तीसरा नम हो जाओ। खुश रहना चाहते हो तो ये तीन नुस्खे जीवन में अपना लो, कम खाना, गम खाना और नम हो जाना, नम्रता जीवन में लाना। ध्यान रखना, दो रोटी कम खा लेना, दो रोटी कम खा लेना। एक बार विद्यानंद जी महाराज का अनुभव बता रहा हूँ, वो एक चुल्लक जी के पास गए और चुल्लक जी बुजुर्ग थे, उनसे बोले कि अपने जीवन का कुछ अनुभव मुझे दीजिए ना। तो उन्होंने कहा अच्छा, चुल्लक जी वो भी चुल्लक जी थे, उन्होंने कहा चुल्लक जी काम करना, मेरे जीवन का एक अनुभव है, अपने जीवन में उतार लेना। दो रोटी खा के पचाते हो, दो बातों को पचाना सीख जाना, जीवन जीना आ जाएगा। दो रोटी खा के पचाते हो, दो बातों को बचाना सीख जाओ। ये बात, ये सूत्र आज हर व्यक्ति को अपनाने की आवश्यकता है। यदि आप अपने परिवार में ये बात को अपना ले कि दो रोटी खा के हम बचाते हैं, दो बातों को बचाना सीख जाए, लड़ाई झगड़ा सब समाप्त हो जाएगी। जितनी कसाय बैर की गांठ बनी है ये सब समाप्त हो जाएगी, सबके घरों में प्रेम खुशी का वातावरण होने लगेगा। बस दो रोटी खा के बचाते हो, दो बातों को बचाना। पिता ने पुत्र से कुछ कह दिया, कोई बात नहीं। भाई ने भाई से कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, भाई तो है, कोई बात नहीं, भाई तो है। नंद ने भौजाई से कुछ कह दिया, कोई बात नहीं। सास ने बहू से कुछ कह दिया, कोई बात नहीं। ये तीन शब्द जो ना बड़े अच्छे हैं, कोई बात नहीं, एक को बहुत अच्छे से उतार लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस ये सूत्र अपने जीवन में उतार लो, तीन तीन शब्दों का बहुत ध्यान रखना, तीन शब्द बहुत अच्छे हैं। एक शब्द और है, कोई अगर परेशान हो, कोई दुखी हो, कोई दुखी हो परेशान हो, उससे तीन शब्द बोल देना, बस तीन शब्द बोल देना। ये मत कहना कोई बात नहीं, वरना तो लड़ने बैठ जाएगा, बोले मैं तो दुखी हूं और तू कह रहा कोई बात नहीं। फिर तीन शब्द उससे बोलना, कौन से? मैं हूं ना, बस क्या बोलना? मैं हूं ना, चिंता मत करो, घबराओ नहीं, मैं हूं ना, बस ये तीन शब्द बोल देना, उसके अंदर साहस आ जाएगा, उसके अंदर साहस आ जाएगा, और वो निश्चित जिस काम के पीछे गिर रहा था वो पुनः उठा लेगा। तो महानुभाव, आज का अच्छा हमारी कदम, मैं सबसे पहले अपने संघर्ष मुनिराज, विश्व के सागर जी मुनिराज, जो विगत पथरिया से हमारे साथ निरंतर चल रहे हैं, वयोभद्र मुनिराज,
92 वर्ष की उम्र के मुनिराज जिन्होंने अपनी 91 वर्ष पूरे कर चुके हैं, 92 वर्ष चल रही है, मुझसे ज्यादा बड़े नहीं है पर 50 साल बड़े हैं। हाँ, मुझसे ज्यादा बड़े नहीं है बस 50 साल बड़े हैं। मैं 42 में प्रवेश किया और इन्होंने 92 में प्रवेश किया, इतना ही अंतर है, बस ज्यादा अंतर नहीं है। फिर भी वयोभद्र मुनिराज हैं और हमारे द्वारा जाने अनजाने में भूल चूक में थोड़े से हंसी मजाक में यदि हमारे द्वारा कोई अपशब्द निकल गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो हमें उत्तम क्षमा करके और अपने और आज क्षमावाणी के दिन सबसे पहले हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे संग्रह दिया है हमारे द्वारा डांटने में, कुछ अनुशासन में, कुछ पढ़ाई लिखाई में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। एक गुरु का काम होता है शिष्य को उत्थान की ओर बढ़ाना, तो कहने में हो सकता है कुछ अपशब्द हो गए हो, तो उत्तम क्षमा संगत दीजिए से। और फिर उसके बाद हमारे समाज जहाँ पर अभी रह रहे हैं, कमेटी वाले, हमारे ट्रस्टी, हो सकता है देखिए कोई कार्यक्रम कराने बोला हो, आपने कुछ आनाकानी की हो, कुछ शब्द निकल गया हो, तो उसके लिए उत्तम क्षमा सभी ट्रस्टियों से। और राजन महिला मंडल, श्री जी भक्त परिवार और जितने भी हमारे मंडल यहाँ पर हैं, बहुओं का मंडल, स्नेह प्रयास और भी जो बहुओं का नहीं, जो भी मुझे आखिर याद नहीं है, भक्तांबर मंडल, कौन कौन से मंडल, जितने मंडल हो वो सब हमारे कमंडल में है, जितने भी मंडल है वो सब हमारे कमंडल में है, सबको लेकर चलता हूँ मैं और सब अपने ही है। इसलिए यदि पूरी समाज, चाहे वनवासी की समाज और चाहे हावड़ा में कहीं भी रहने वाली समाज जो यहाँ उपस्थित है और जो उपस्थित नहीं है, यदि हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई शब्द आपके प्रति निकल गए हो, तो उत्तम क्षमा सभी लोग क्षमा करके और अपने बड़े होने का एक वो कहते ना, बड़े होने का, बड़े हैं तो बड़े लोग क्षमा कर सकते हैं, तो आप क्षमा करें। और यदि आपके द्वारा कुछ हो गई हो तो मैं दिल से हृदय से आपको सबको क्षमा करता हूँ। मेरे अंदर में किसी के प्रति कोई राग, कोई द्वेष, कोई बैर भाव नहीं है, चाहे वो कोई हो, कैसा भी हो। मन से ये बात निकाल देना कि मुनिराज उनसे ज्यादा बात करते हैं, मुनिराज उनका नाम ज्यादा लेते हैं, तो उनसे उनका राग होगा, नहीं, मेरा किसी से कोई राग नहीं है। चाहे वो व्रतधारी, वैसे व्रतधारियों से मेरी तो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन फिर भी व्रतधारी जो भी है उनसे भी उत्तम क्षमा। अगर आपको आशीर्वाद देने में कोई कमी रह गई हो, वैसे तो आपकी ग्राहक बहुत अच्छे से होगा, उम्मीद कर सी अच्छे हुए ना। हाँ, तो देखो माँ बेटी ने दोनों ने 16 कार्य व्रत की उपवास की साधना की है, और क्या निर्विघ्न साधना उनकी चल रही है, अभी भी साधना चल रही है। वरना एक साधक एक व्रती के मन में निकल पाता है, उनकी पाड़ना होगी, उनकी पाड़ना होगी, उनकी पाड़ना होगी, और आज देखो रत्नधारियों की पाड़ना हो जाएगी। देखिए मेरे पास जब वो पूछने आए तो मैंने कहा 16 दिन की साधना करनी है, 16 कांड कर रहे तो 16 दिन करना है, एक तिथि घट भी गई तो कोई बात नहीं, एक तिथि बढ़ा के करेंगे और पूरे 16 उपवास करेंगे, ऐसी मन में भावना हुई। तो आज भी दोनों का उपवास है, क्योंकि 16 दिन आज पूरे होंगे, तो इनकी पाड़ना कल स्पेशल करवाई है, पर बढ़िया स्पेशल की पाड़ना होगी, पूरी समाज उनका स्वागत खाने करके करे, इन्होंने अपने समाज का नाम रोशन किया है। दोनों माँ बेटी ने 16 कारण के उपास किए, आज 16 कारण का उपास है, लक्षण व्रत भी किए, उनको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी तो कोई बात इसलिए बोल देता हूँ, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, सुन लिया करनी हो। उस दिन मुनिराज के पास जाके एक श्रीफल समर्पित, शांति धारा तक हुई नहीं पर पाड़ना शुरू हो गई, ऐसा नहीं, आप सोचो ना 10 दिन तक आपने वेट किया, क्या 2 घंटे वेट नहीं कर सकते, 10 दिन वेट किया, 2 घंटे और सही, 2 घंटे और बात कर लेते। और सबसे उत्तम तो यही है, सबसे पहले अपने हाथों से दिगंबर मुनिराज के अंतरी पर एक ग्रास रखो और फिर उसके बाद पाड़ना करने जाओ। जैसे तुमने 10 दिन तक इंतजार किया और सही, और भैया 10 दिन निर्जल उपास तो किए नहीं है, इतना बड़ा तो किया नहीं कि 10 दिन निर्जल उपास किए हो, पानी तो रोज ही पिया, अब तुम 11वें दिन सुबह उठ के पानी पी लो तो उसमें क्या पाड़ना, भाई खाना ही तो खाना है, 2 घंटे बाद खा लेना, 2 घंटे बाद खा लेना, कल अपने बीच वो वीर गछिया से
सपना भाभी आई, उनने भी 10 उपवास किए थे। 10 उपवास के बाद बीच में मैंने उनसे बोला भी, मैंने कहा प्रार्थना कर लो, जाओ कर लो, आहार दे लिया ना, कर लो प्रार्थना। बोले नहीं, आपके हाथ पूरे होंगे उसके बाद ही प्रार्थना करोगे। विमल जी आए, विमल जी आए, उन्होंने प्रदान भी किया। और एक और थी वही रेखा, रेखा सेठी और विमल जी दोनों आए, उन्होंने पहले आहार दिया, आहार देने के बाद प्रार्थना करने चले गए थे। लास्ट तक नहीं रुके थे, चले गए थे, लेकिन लास्ट तक यदि कोई रुका तो वो सपना रुकी। और फिर उसके बाद आहार के बाद प्रार्थना, उन्होंने अपने यहाँ ही प्रार्थना करी, कई बार जाके प्रार्थना नहीं की, एक यहाँ पर प्रार्थना की, गुरु चरणों में प्रार्थना की। घर में तो रोज खाते हैं, बोले आज गुरु चरणों में भोजन करने का मिला है अवसर, क्यों छोड़े। तो ऐसे उन्होंने साधना की, जिन जिन लोगों ने साधना जहां जहां रहकर की, उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब लोगों ने बहुत अच्छे से दिव्य साधना की। आज का इच्छावाणी का दिन बहुत अच्छे से आनंद के साथ अपने यहाँ पर मना रहे हैं। एक बार मेरे कहने से सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आज अपन छावाणी दिखाते हैं आपको, छावाणी कैसे मनाई जाती है। हो गए चढ़े सभी लोग, कैमरामैन को विशेष स्थान दो। देखिए जितने भी मंदिर प्रांगण में पुरुष वर्ग हैं, वो पुरुष सभी लोग आपस में गले मिलकर छावाणी बनाएंगे, और महिलाएं आपस में गले मिलकर छावाणी बनाएंगे और बोलेंगे उत्तम छमा। हाँ शुरू हो रहा हूँ, उत्तम छमा। के साथ जय बोलो पारसनाथ।
समाज दक्षिण हावड़ा की तरफ से गुरुवर के चरणों में नमस्तु निवेदित करता हूँ। आपके प्रवास के दौरान गुरुदेव हम लोगों से पदाधिकारियों से समाज के किसी भी सदस्य से किसी तरह का कोई अभिनय हो गया हो, अभिनय में कोई कमी रह गई हो तो हम लोग आपसे समाचार दे हैं। उपाध्याय श्री मुनिराज श्री और संघियों से हम लोग क्षमा चाहते हैं, अगर हमसे किसी भी तरह की कोई भूल हो गई हो जाने अनजाने में पूरे समाज की तरफ, और हम लोग समाज के जो प्रश्नगण हैं पूरे समाज से क्षमा प्रार्थी हैं, अगर हम लोगों के द्वारा कोई गलती हुई हो तो आप लोग हमें क्षमा करवा दें। जय जी मंडल की तरफ से मुनिराज के चरणों में तो मुनिराज के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए यही कहती हूँ कि हे मुनिराज यदि हुई है, मैं तो कहती हूँ हुई है, क्योंकि जैसे आपकी भावना थी वो भावनाएं हम लोग पूरी नहीं कर पाए, चौके की भावना भी पूरी नहीं कर पाए, और उसी कारण हम सभी जन आपसे हाँ दिल से क्षमा चाहते हैं कि आपकी जो जो भावनाएं हम पूरी नहीं कर पाए उनसे भी हम क्षमा चाहते हैं। और राजेंद्र की तरफ से जो अभी हमारे यहाँ पे विधान मंडल था और जो जो प्रोग्राम होते हैं उनमें भी यदि किसी को प्रोग्राम में आगे आने के लिए दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, किसी कारणवश किसी के भी मन में दिल में ठेस पहुंची हो, दस लक्षण जी ने जो महाराज श्री ने प्रोग्राम कराया उसमें भी यदि किसी कारण किसी के भी दिल में ठेस पहुंची हो तो राजेंद्र मेला मंडल हाथ जोड़कर सबसे क्षमा चाहती है, सभी से जो ट्रस्टी के जन है सबसे, और जो हमारे पुजारी गण जो हमारे सामने आ जाते थे और हम उनसे कहते थे भैया साहिब, तो आपसे भी हम सभी जन हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। नमस्कार। अधिकारी जी ने कहा भावना, हमारी भावना पूरी करने के लिए, हमारी तो कोई भावना ना थी ना है ना कभी होगी, हमारी तो केवल एक ही भावना है समाज में धर्म की प्रभावना होना चाहिए। मैं तो एक बात सीखे भंडारे जी से, कुछ भी कोई बोले तो मैं कहता था खूब बालों लागे हमारे भंगवारी समाज गुरु भक्त परिवार पूरे समाज दिगंबर जैन समाज मुनिवर के कछे क्षमा प्रार्थना करछे, एवं समस्त श्री जी भक्त परिवार पूरे समाज पूरे दृष्टि पूरे महिला मंडल ভগবান সাধনা হতে পারে না, ধর্ম প্রভাবনা করা আমাদের দায়িত্ব, সবাই সম্মত চায় সবাই যেন ধর্মের প্রভাবের দ্বারা সমাজের অধিপত্য করতে পারে, আমরা দিগম্বর চন্দ্রপাল ভগবানের কাছে গুরুর কাছে সব জমা ঘোষণা করছি। अभी भी उनका मैसेज मिला गुरुदेव, हम लोगों ने धर्मशाला के लिए जो नक्शा सबमिट किया था वो कल हावड़ा पोर्ट मीटिंग हुई उसमें पास हो गया, अभी उनका मैसेज आया, ये आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। ये हम लोगों ने हावड़ा समाज की मदद से इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है, और आपके निमित्त से सभी प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र भी प्राप्त हुआ, और मेरे को तो लगता है शायद आपके सानिध्य में वो धर्मशाला की भूमि पूजा भी अगर हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2026 में आचार्य श्री विष्णु सागर जी महाराज का प्रस्तावित प्लान है कलकत्ता आने का, देगलिया में जो मंदिर हो उसके पंच कल्याण में गुरुदेव मुझे उपाध्याय आचार्य श्री के साथ कुछ समय गुजारने का मौका मिला, शिखर जी मुझे उनका चतुर्मास हुआ था,
कोविड के टाइम पे, तो हम लोग वहाँ पे 9 महीने थे सीकर से। कलकत्ता आने का 2 बार उनका प्रोग्राम बना, लेकिन दोनों बार कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। तो अभी ये 2026 का प्रोग्राम फाइनल है, तो हम लोग ये भावना पाते हैं आपके आशीर्वाद से, अगर ये हमारी धर्मशाला का कार्य हो जाए तो आचार्य श्री ससंग को भी हम लोग वहाँ पे रुकवा करके राजू मेला मंडल है, स्नेह प्रयास है, महावीरिया मंडल है, जैन चेतना संघ है, तो ये सब संस्थाएं अलग अलग से समाज केंद्र में कार्य कर रही है और पूरे कलकत्ते समाज केंद्र में मतलब संस्थाओं की चर्चा। राजू मेला मंडल काफी सालों से मंदिर की व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं, स्नेह प्रयास में नई संस्था बनी है, पिछले साल वो लोग पूरे कलकत्ते के से लोगों को यात्रा पे ले गए थे केदार जी, तो कलकत्ते से यात्राएं तो बहुत जाती है, इस बार मुस्तफा पर जाने की तैयारी चल रही है, तो कलकत्ते से यात्राएं तो बहुत जाती है, लेकिन गिरनार वाली जो यात्रा हुई उसकी जितनी चर्चा हुई पूरे कलकत्ते समाज के अंदर की, और इस बार लोग मुस्तफा पर देखने जाने वाले। महावीर युवा मंडल द्वारा कल जो पांडना का कार्यक्रम किया गया, पिछले 12 साल से वो लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हर साल उसके अंदर निरंतर वो लोग जो है अच्छी तरह से कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं। कल जहाँ हुआ था वहाँ तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ, और एक संस्था है जैन चेतना संघ, वो समाज के अंदर में युवा और बुजुर्ग महिलाएं पुरुष सबको जोड़ के रखिए, खेल कूद का कार्यक्रम होता, कम से कम 400 लोग उसमें पार्टिसिपेट, तो सभी संस्थाओं का आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, ताकि सब कोई आपस में मिल करके समाज के उत्थान के कार्य में लगे रहे। समाज की जितनी संस्थाएं चल रही हैं सभी संस्थाओं को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैंने सुना जरूर था कि वो एक संस्था है जो महिलाओं को क्रिकेट भी खिलाती है और सबका क्रिकेट होता है, सब सारे गेम खिलाए जाते हैं, तो मैंने कहा हो सकता मैं उस समय रहता, तो हो सकता मैं रुकता, देखते कि कैसे आपकी समाज की एकता होती, लेकिन मुझे जाना है, इसलिए चतुर्मास के पश्चात मेरा यहाँ से तुरंत बिहार होगा, लेकिन हो सकता है समय रहा तो अपना जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है वो संभव हो सका, वो जरूर चाहते हैं। देखिए मेरा आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से आप सब ने सहयोग करके इस मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्यक्रम को पूर्ण किया है, उसी तरह से धर्मशाला के निर्माण में भी आप सबका सहयोग चाहिएगा, क्योंकि पूरे कलकत्ते में अभी तक जो जैन भवन वाले जो धर्मशाला है उसमें कोई नई धर्मशाला बनी नहीं, हो सकता है बनवासी में जो नई धर्मशाला बने वो पूरे कलकत्ते के लिए ही सभी के लिए काम आए, तो अपने को धर्मशाला को केवल आप लोग के लिए नहीं बन रही है, मुख्य धर्मशाला में तो साधु संतों के लिए बन रही है, सत्य निवास बन रही है, इतनी सी भावना याद रखना, मैं छोटी सी बात आपको आज बता रहा हूँ, इतनी सी भावना अगर मन में आ गई आपके, तो आप निश्चित रूप धर्मशाला में आप आज से ही अभी से ही आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, जैसे मान लो उसमें कुछ कमरे बनने हैं तो एक कमरा अपनी तरफ से जरूर बनवाना, एक कमरा संत भवन में आपकी तरफ से होना चाहिए, क्यों मैं कहता हूँ परिवार में आपके 4 बेटे हैं और 4 बेटों को आप एक एक फ्लोर बनाकर 4 फ्लोर की बिल्डिंग दे सकते हो और एक एक फ्लोर एक एक बच्चे के नाम कर सकते हो, तो जो धर्म का बेटा है उसके लिए क्या एक कमरा नहीं बनवा सकते, एक कमरा बनवाने की भावना अगर आपके अंदर हो जाए तो 20 परिवार मिलकर ही एक एक कमरा बनवाए तो 20 कमरे बनकर तैयार हो जाएंगे, बहुत बड़ी धर्मशाला ऐसी धर्मशाला बनेगी जो कलकत्ता में कहीं धर्मशाला ना हो। हमारी भावना तो ऐसे बनी, उसमें करीब 21 कमरे बनेंगे, 21 ही बनेंगे, एक बड़ा हॉल और 2 छोटे हॉल रहेंगे, कोशिश यही है कि अगर बनवासी समाज के सहयोग से अगर बन जाए, और अगर दूसरे का सहयोग लेना नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो, समाज ऐसी है, एक कार जब खड़ी हो जाएगी ना, 21 क्या 42 भी बनवाना चाहो तो 42 कमरे बन सकते हैं, 21 कमरे कौन सी बड़ी बात है, 21 कमरे पूरे बनवासी की समाज मिलकर ही बनवाएगी। जय हो। उपाध्याय श्री का तो अभी बिहार होना जरूरी है, क्योंकि इंदौर पहुंचना है, पूरे संघ के लोग संघ की हमारा भाव पहुंचेंगे, लेकिन हम ये भावना बांटते हैं अगर बनवासी समाज का पुण्य अगर तेज हो भविष्य में फिर हमको आपका चतुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हो। सबसे अच्छे मुनि कौन, और हम लोग ने जो
तीन रूप आपने बताए, तो तीन रूप आपने देखे हैं ना। बच्चों के लिए जो किराना बन गया है ये हम लोगों ने देखा है, और युवा लोगों को जो जोड़ा आपने वो साथी भी आपने देखा है, और हम लोगों के जैसे बुजुर्गों के लिए आपके अंदर में लाठी भी देखा है। अपने जैसे बन जाते हैं। हमारे यहाँ मंदिर कमेटी में देखो मंदिर व्यवस्था बनाने, और एक और कोई है, एक और छोटा नया लड़का है अभी पुजारी जी हैं अपने, और हमारे संजीव पंडित जी हैं जो हमारे हर पल साथ रहते हैं, और ये हमारे परिवार के हिस्से बन माने जाते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं वो सब हमारे परिवार के हिस्से ही हैं, क्योंकि आप लोग तो हमारे पास आते हैं थोड़ी देर आके वो चले जाते हैं, आधा घंटा एक घंटा रुके चले जाते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ जाके बच्चों के साथ 24 घंटे कोई रहता है, तो ये लोग ही रहते हैं, इन लोगों में विशेष सम्मान के रूप में कार्य करना चाहिए। और विजय हमारे साथ पिछले साल भी समय से कर भी रहा, इस साल भी रहा, और निश्चित है उसके अच्छे भाव है, जैन ना होते हुए भी जैन जैसे काम करना ये बहुत बड़ी बात है। प्रवचन भी ध्यान से सुनता है, स्वाध्याय भी सुनता है, कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेता कि मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है, लेकिन बीच बीच में एंजॉय भी करता रहता है, और ये उसकी भक्ति है, अपने धर्म के प्रति उसका श्रद्धा है कि वो यहाँ पर बैठा है और धर्म की हर चीज को जानता है कि अभिषेक क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है, प्रवचन क्या होती है, गुरु भक्ति क्या होती है, वो सब कुछ जानता है। तो ये साथ में संगति का असर है, और निश्चित संगति का असर है कि जब से अपने साथ है तब से चौके में शुद्ध भोजन कर रहा है, और क्या चाहिए, शुद्ध भोजन कर रहा है, तो उसके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अपने जीवन में बहुत उन्नति करे, बहुत आगे बढ़े, और अपना नाम अपने माता पिता का नाम हमेशा ऊंचा करता है, तो भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे संघर्ष है, साथ में रहते हैं, बस तीन चार दिन पहले उनकी भूतनी दिखाई दी अभी, और कुछ नहीं, तीन चार दिन पहले क्या दिख गया था, एक भूतनी दिख गई थी, हाँ वो खिड़की पर से ऐसे हाथ निकाली हुई थी, नैमचंद जी ने कहा था उन्हें दिख गई थी भूतनी दिख गई थी, हमने उनसे कहा था दोस्ती कर लेना उससे, तो फिर वो तो परेशान नहीं करेगी, हो सकता अगले दिन उन्होंने दोस्ती कर ली होगी तो फिर अगले दिन से दिखना बंद हो गई, वो अगले दिन तो हमने सफेद बाल भी दिखे थे, बोले उसके सफेद बाल है, तो हमने कहा बूढ़ी हो गई होगी, चार दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात, ऐसा ही है ना, जितने दिन मिले हैं आज के गुजार लो, आपकी आयु कितने दिन की है पता है हमें, पता है आपको, पता है नहीं पता, हम बताया जा रहा कितने दिन, ओनली 7 दिन की है, कितने दिन की, 7 दिन की आयु है, किसी को सोमवार को मरना है, किसी को मंगलवार को मरना है, किसी को बुधवार को, किसी को गुरुवार को, किसी को शुक्रवार को, किसी को शनिवार को, किसी को रविवार को, 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन है क्या, कोई यही नहीं है, 7 दिन के अंदर सबको मरना है, तो इसलिए 7 दिन की जिंदगी है, हंसी गुजार लो, और 24 घंटे से ज्यादा कोई समय है क्या, नहीं है, 7 दिन 24 घंटे आराम से हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को यापन करें, और अपने जीवन को धन्य करें, बहुत ही धन्यवाद। मैं एक राजन महिला मंडल की प्रतिनिधि हूँ, और मेरी अध्यक्ष श्रीमती कांता देवी कुछ अस्वस्थ है, मैं चाहती हूँ कि आपकी आशीर्वाद और सबों की दुआ उनको मिले कि जल्दी से वो स्वस्थ हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी बुराइयों का उद्गार कर रही हूँ, गुरुवर मैंने आपकी आलोचना भी की, समालोचना भी की, एक दूसरे से तुलना भी की, और आपकी आज्ञा की अवहेलना भी की, इन सब के लिए मैं आपको और बार बार मतलब नमोस्तु करती हूँ, और अपने गुनाहों की क्षमा भी चाहती हूँ, और सब समाज से कल मेरी पालना में थोड़ी बहुत कमी भी रह गई होगी, प्रतियों के बहुमान में या आपके बहुमान में थोड़ी कमी रह गई हो, तो मैं उस सब के लिए क्षमा चाहती हूँ, और गत वर्ष में जितने भी मेरे से अपराध हुए हैं, भूले हुई हैं, गलती हुई है, त्रुटियां हुई है, वो सब के लिए मैं अंतरंग से क्षमा चाहती हूँ, नमोस्तु। सबको बहुत बहुत क्षमा, अपनी गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ी अपने अंदर की क्षमा है। आप इतना
आपने गलती अपने एक्सेप्ट कर ली ना, तो आपने अपने अंदर क्षमा को धारण कर लिया, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, आपका निर्मल मन हो गया है। क्षमा मांगी निर्मल मन बनाने के लिए ही है। मेरा सभी के प्रति क्षमा मांगो है, सभी स्वस्थ रहो। बह रही है बच्चे युवा महिलाएं बुजुर्ग सभी गुरुवर के चरणों में निरंतर तत्पर रहते हैं और उनकी वाणी सुनने के लिए आतुर रहते हैं। आज इस पावन दिवस पर मैं पूरी समाज से महावीर युवा मंडल की ओर से क्षमा चाहता हूं। अगर महावीर युवा मंडल द्वारा किसी भी सदस्यों के द्वारा पदाधिकारी के द्वारा आपके किसी भी सेवा कार्य में भूल से अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मैं महावीर युवा मंडल की ओर से क्षमा चाहता हूं और गुरुवर के चरणों में दो लाइनें मेरी तरफ से क्षमा भाव रखते हुए। नजरें ओ गुरुवर फेरोगे कैसे, बाहें हमारी छोड़ोगे कैसे। नजरें ओ गुरुवर फेरोगे कैसे, बाहें हमारी छोड़ोगे कैसे। और ध्यान दीजिएगा, दिल में तुम ही हो तोड़ोगे कैसे, आता रहूंगा दर पे तुम्हारे, तारो न तारो गुरुवर मर्जी तुम्हारी, आता रहूंगा। जयकारा गुरुदेव का। अभी कोई जाना नहीं, खाना शुरू नहीं हुआ अभी। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। संसार के सभी जीवों से अपने अवगत में किए गए पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना करता हूं और सबको क्षमा करता हूं। एक बार 10 दिन के ये उपवास में आपके चित्र में मुझे एक बात समझ में आई है कि आप जो उपदेश देते हो तो घर जाते जाते भूल जाते हैं, लेकिन पैर करने में 3 नुकसान है। एक तो समय का नुकसान है, दूसरा पैसे का नुकसान है, तीसरा अपनी एनर्जी का नुकसान है। यदि उस एनर्जी को अपने पॉजिटिव काम में लगाए तो डबल काम होगा। नमस्ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने पैसे को बर्बाद क्यों कर रहे हो, एक बैग की गाड़ी खत्म कर दो ना, बस यही तो चमो वाणी है। चलिए और कोई प्रतिनिधि।